हेलो गाइस, आज हम पॉपकॉर्न बना रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैंने 100 ग्राम पॉपकॉर्न ले लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके दाने बिल्कुल अलग होते हैं। ये पॉपकॉर्न बनाने की जो ये मक्का होती है, बाज़ार में अवेलेबल होती है। देखिए, यहाँ मैंने ये कुकर को फ्री हीट कर दिया है। हाई फ्लेम पर रखना है इसको, अच्छे से गरम कर लेना है, कुकर को फ्री हीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्री हीट हो चुका है। मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, एक बटर डाल दिया है मैंने इसमें, और एक चम्मच। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैंने इसमें एक चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, कम ज़्यादा जितना। अब ये इसमें कॉर्न डाल दिए हैं मैंने, और अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कुकर का जो ढक्कन है, कुकर के ढक्कन की हमें रबड़ और सीटी दोनों ही चीज़ें निकाल लेनी है। ये देखिए, मैंने इसकी सीटी भी निकाल ली है, रबड़ भी निकाल दी, और इसको हमें ढक्कन को लगा देना है 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट में फ्रेंड्स, ये पॉपकॉर्न बनकर एकदम रेडी हो जाते हैं। देखिए, इनकी चटकने की आवाज़ आ रही है दानों की, एकदम एक एक दाना खिल गया है। जब ये दाने खिलने शुरू हो जाते हैं, पॉपकॉर्न बनने शुरू हो जाते हैं, तो इनकी आवाज़ आने लगती है। आप सुन सकते हैं आवाज़ को। देखिए, हमारे पॉपकॉर्न अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है घर पर पॉपकॉर्न बनाना। बाज़ार में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये मैंने आपको होममेड पॉपकॉर्न बनाने बताए हैं, बहुत ही इजी है। 10 रुपये की रेसिपी 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। देखिए, कितने सारे पॉपकॉर्न हमारे रेडी हो चुके हैं। ये 100 ग्राम थे। चाय या कॉफ़ी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बच्चों को तो ये वैसे भी बहुत पसंद होते हैं, हेल्दी होते हैं ये दोस्त बहुत ज़्यादा। देखिए कितने खिले खिले दाने बने हैं, एक 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 पॉपकॉर्न भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसका दाना ना खिला हो, कितने अच्छे से।